हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट, आज जो हमारी वीडियो है ये है कि करेक्ट आंसर जो है वो हमें चूज़ करना है। तो ये जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज की वीडियो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है स्टूडेंट वो है एमसीक्यूज़ की भी हम सिचुएशन को पढ़ लेते हैं कि एमसीक्यूज़ क्या है। पहला तो इसमें क्या है, था एबनॉर्मल चांस ऑफ अमंग बेबीज़ ऑफ डायबिटिक मदर टू बेबीज़ ऑफ नॉन डायबिटिक मदर। तो इनमें क्या फ़र्क होता है, इसमें क्या होते हैं, ए पॉलीहाइड्रामेसिस, ओलिगोहाइड्रामेसिस और मैच्योर बेबी या फिर ऑल। तो इसमें क्या है कि पानी की इसमें ज़्यादती हो जाती है, ये एक एबनॉर्मलिटी हो सकती है डायबिटिक मदर में। तो ये क्या है, पॉलीहाइड्रामेसिस, सही है। आप इसके ऊपर करेंगे फर्स्ट वाला, ए वाले को आप टिक करेंगे, सही है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा एमसीक्यूज़ टू, ये है द स्ट्रक्चर दैट एक्ट पैसेज टू अलाउ मेंस्ट्रुअल फ्लो रिसीव पीनस एंड इजेक्ट स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड प्रोवाइड्स एन एग्जिट ऑफ फीटस इज कॉल्ड। तो वो कौन सा रास्ता है जहाँ से मेंस्ट्रुअल फ्लो भी होता है और पीनस जब है वो भी इंजेक्ट होता है और स्पर्म जाते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए भी, तो वो कौन सा है, वो वल्वा है या वजाइना है या यूट्रस है या बैथोलिन ग्लैंड है। तो स्टूडेंट इसमें जो है, इसमें बी जो है वो करेक्ट आंसर है। वजाइना वो रास्ता है जहाँ से ये तीनों प्रोसेस होते हैं, बेबी की बर्थ भी वहाँ से ही होती है और स्पर्म्स के जाने का रास्ता भी वहीं से है और फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो भी यहीं से होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारा थर्ड वाला एमसीक्यूज़ है वो है द सेमिनल वेस्कुलर्स प्रोडक्ट्स एंड वेस्क्यूज सेक्रेशंस ऑफ पर्पस टू कीप। तो ये क्या करती हैं, ये स्पर्म अलाइव एंड मोटली करती हैं या फिर ओवा अलाइव एंड मोटली एंड फिर ग्रैंडा लाइफ या ग्रैंडा मोटलाइफ। तो इसमें क्या है, इसमें ए वाला आएगा, स्पर्म अलाइव वाला आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि किडनी फिल्ट्रेशन इंक्रीज इन प्रेगनेंसी ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिक बाय मेटरनल एक्टिविटी फीटल एक्टिविटी बोथ फीटल एंड मेटरनल एक्टिविटी एंड नॉन। तो स्टूडेंट ये जो है किडनी फिल्ट्रेशन जो होती है इंक्रीज हो जाती है प्रेगनेंसी में, तो ये दोनों की वजह से ही होती है, यानी कि फीटल एंड मदर एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है। फाइव वाला आ जाता है हमारा एमसीक्यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वॉल ऑफ यूट्रस बिकम रिलैक्स एंड डायलेट एंड अलाउ यूट्राइन स्टेटस विच वन इज द रीज़न बिहाइंड। तो इसमें क्या है, सबसे पहला क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन इन्फ्लुएंस प्रेशर ऑफ द हार्मोन यूरिनरी ब्लैडर वेट ऑफ द यूट्रस तो वेट ऑफ द मदर। तो इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वॉल ऑफ यूट्राइन क्या हो जाती हैं, ये होती हैं डायलेट हो जाती हैं कब, प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से। ये हमारी एक इसके ऊपर वीडियो भी है कि ज़्यादा जो है सभी प्रेगनेंसी के जो हार्मोन हैं उनकी वजह से ये हो सकती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, नरम पड़ जाती हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरोन की वजह से ये ज़्यादा पड़ती हैं, ठीक है। ये तो इसका आंसर जो है वो होगा ए। तो नेक्स्ट आ जाता है विच वन ऑर्गन फ्रॉम द फॉलोइंग इज ग्रेट कंसर्न टू मिडवाइफ बिकॉज ऑफ इट क्लोजेंस टू यूट्रस। तो इसमें कौन सा है कि यूरेथ्रा यूरेटर्स ब्लैडर एंड ओवरी एंड किडनी, तो इसमें ब्लैडर जो है वो है। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है नॉर्मली अमंग अबाउट
टू लैक प्री मॉडलियल फॉलिकल्स एंड बर्थ फ्रॉम प्यूबर्टी एंड ऑनवर्ड हाउ मैनी फॉलिकल्स बिकम मैच्योर एंड रिलीज ओवम ईच मंथ। तो वो यहाँ पर ये क्वेश्चन किया गया आपसे कि 2 लाख या इससे ज़्यादा फॉलिकल्स जो हैं वो मंथली रिलीज़ होते हैं, लेकिन कितने जो हैं मैच्योर होते हैं, तो 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है या 4 होता है। तो हर मंथ एक ही मैच्योर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ए वाला जो है 1। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एमसीक्यूज़ के व्हेन ओवम इज़ रिलीज फ्रॉम मैच्योर गैराफ्लेन फॉलिकल्स अ फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर इन द मैमिलिन ओवरी विद विच एंड ओवम डिवेलप प्रेप एंड ओवलेशन द एम्प्टी फॉलिकल्स इज नॉन एज। तो ये कौन सा है, इसमें बेबी या फिर शेल या फिर इसमें आ जाएगा कैर्पस लैक्टियम एंड कवर। तो स्टूडेंट इसमें आ जाएगा कार्पस लैक्टियम, सही है। तो कार्पस लैक्टियम आपको पता है कि वो इसमें जो है वो इसमें काफ़ी उसका अहम रोल होता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो थी, कुछ ये थे हमारे ट्रू एंड फॉल्स। तो आप इनको आज अच्छे से याद करें, फिर नेक्स्ट आपके साथ एक और वीडियो को शो करूँगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। थैंक यू।